फाइव लेस देन ए का मतलब क्या हुआ ए में से फाइव सब कर दो एंड रिजल्ट क्या आएगा ट्वेल्व ओके सो दिस इक्वेशन नेक्स्ट है मोर देन टाइम्स ऑफ पी टाइम्स ऑफ पी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाइव पी ओके फाइव टाइम्स ऑफ पी अब इसमें क्या है इसमें टू मोर मीन्स टू एड करने हैं सो फाइव पी प्लस टू हो गया ओके okay? सो so, टू मोर देन मीन्स टू प्लस फाइव टाइम्स ऑफ पी फाइव मल्टीप्लाइड बाई पी सो इसको फाइव पी लिख दिया सो टू एड हो रहे हैं इन टू फाइव टाइम्स ऑफ पी में एंड रिजल्ट क्या है थर्टी टू ओके आप टू को आगे भी लिख सकते हो ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हो टू प्लस फाइव पी इज इक्वल टू थर्टी टू ठीक है किसी भी वे में आप लोग लिख सकते हो फोर्थ है हाफ ऑफ अ नंबर इज टेन अब कोई नंबर है ठीक है जब उसको हम लोग हाफ करेंगे तो रिजल्ट क्या है टेन ओके सो नंबर यहाँ पर अननोन है मीन्स नंबर को हम रिप्लेस कर देंगे किसी वेरिएबल के साथ तो आप जब अपनी इक्वेशन लिखोगे यू कैन राइट एनी वेरिएबल ओके यू कैन राइट एक्स वाई जेड और एनी अदर वेरिएबल यू लाइक सो मैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल ले, ले लेती हूँ सो so मेरे पास एक नंबर है एक्स एंड उसका हाफ मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई टू रिजल्ट क्या है टेन ओके सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट एक्स बाई टू इज इक्वल टू टेन अगर आपने वेरिएबल कोई और लेना है जैसे आपने वाई लेना है तो आप क्या करोगे सकते हो उसको आपने टू के साथ डिवाइड करना है बिकॉज हाफ ऑफ आर नंबर है हाफ ऑफ आर नंबर मीन्स नंबर डिवाइडेड बाई टू रिजल्ट कितना है इज इक्वल टू टेन फिफ्थ पार्ट है

एडिड टू थ्री मीन्स इसमें प्लस थ्री करो गिव सेवेंटीन ओके सो टू टाइम्स ऑफ नंबर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवेंटीन सो अगर आपने कोई और वेरिएबल एज्यूम करना है लाइक वाई देन आप लिखोगे टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवनटीन अब थ्री को आप आगे भी लिख सकते हो टू एक्स को आप पीछे भी लिख सकते हो ओके सो यू कैन ऑल्सो राइट थ्री प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सेवेंटीन एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आप थ्री प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवेंटीन ठीक है ऐसे लिख सकती हो क्योंकि आप सम कर रहे हो ना तो सम में क्या होता है आप आगे पीछे भी टर्म्स को लिखो तो भी आपका जो एंड रिजल्ट है दैट विल स्टे द सेम सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय